अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे छटोरे व्यूवर्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतने अच्छे खस्ता और लेयर वाले परफेक्ट ख्वाजा बनकर तैयार हुए हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छे और खस्ता होते हैं। ये मेहमानों का दिल जीतने वाली रेसिपी है। आप ये मेहमानों को बनाकर खिलाइए तो आई एम श्योर मेहमान आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे, क्योंकि मैंने भी इस रेसिपी से मेहमानों से बहुत सारी तारीफ़ें बटोरी हैं। तो आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट ख्वाजा बनाना सिखाऊंगी। इससे पहले किसी ने भी आपको खाजा बनाने के ऐसे स्टेप्स नहीं बताए होंगे, तो परफेक्ट खाजा बनाने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को स्किप ना कीजिए, वरना आप स्टेप्स मिस कर देंगे। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और आइए देखते हैं आप इसे कैसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर खाजा बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल मैदा लिया है, इसे आप प्याला भी कह सकते हैं। तो ये पूरा भर के हम लेंगे और इसे एक बाउल में डालेंगे गूंदने के लिए। अब हम इसमें घी डालेंगे, दो बार करके हम इसमें घी डालेंगे और इसे पहले हम अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। फिर दूसरी बार हम इसमें बचा हुआ घी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से सारे मैदे में अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये खस्ता बनाने की पहली टिप है, हम इसे हाथों में अच्छे से लेकर मसल लेंगे दोनों हाथों से। अगर आप अच्छे से जितना मसलेंगे उतने ही अच्छे और खस्ता खाजा हमारे बनेंगे। इसी तरह से दोनों हाथों से हम 5-10 मिनट तक इसे अच्छे तरह से पहले मसल लेंगे। अब हम ये मसलने के बाद इसे मुट्ठी में लेकर ऐसे चेक करेंगे। ये मुट्ठी में लेकर ये ऐसे बन जाता है तो इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, ये ऐसा ही होना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी लेकर इसका आटा गूंद लेंगे। हमें इसमें बहुत ही कम पानी यूज़ करना है और इसे एकदम सख्त आटा गूंद लेना है, हमें नरम आटा नहीं गूंदना है। अभी देखिए ये टाइट आटा गूंद गया है। अब इसे हम 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। आटा सेट हो चुका है, ये देखिए हमें ऐसा ही चाहिए। अब हम इसकी दो लोइयां बना लेंगे। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़े से बना रही हूँ, इसलिए मेरी दो बनी हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से गोल गोल बना के इसे बेल लेंगे। अब हमें इसकी रोटी बेलनी है। अब एक ज़रूरी बात, हम इसे चौकी पर नहीं बेलेंगे, हम इसे किचन पर बेलेंगे, क्योंकि हमें इसकी एक बड़ी सी पतली सी रोटी चाहिए। हम जितनी बड़ी रोटी बनाएंगे उतने ही ज़्यादा लेयर वाले हमारे खाजा बनेंगे। और हम इसे बेलने के लिए कॉर्नफ्लावर का यूज़ करेंगे, ये कॉर्नफ्लावर है, क्योंकि कॉर्नफ्लावर से बहुत अच्छी तरह से रोटी बेल जाती है। और इसे हम जितना लंबा हो सकता है, जितनी बड़ी हो सकती है उतनी बड़ी हम रोटी बनाएंगे, बिल्कुल पतली सी, क्योंकि जितनी पतली और बड़ी रोटी होगी उतने ज़्यादा हमारे लेयर बनेंगे और उतना ही ज़्यादा खाजा देखने में अच्छा लगेगा। अगर ये फट जाती है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसे तवे पर सेकना नहीं है, बल्कि हमें इसे रोल करके हमें इसे फ्राई करना है, तो फटने का टेंशन नहीं लेना है। अब मैंने ये इसमें घी और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर बनाकर रखा है, इसे हम अपनी रोटी के ऊपर लगाएंगे चारों तरफ। ये जो घी और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर है, इसी से हमारे खाजा की लेयर खुलती हैं। इसे हम अपनी रोटी पर अच्छी तरह से चारों तरफ लगा देंगे, कहीं भी जगह बाकी ना रहे। आप ब्रश या उंगली किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे ये उंगली से बहुत अच्छी तरह से लग जाता है, ब्रश से उतनी अच्छी तरह से नहीं लगता है। इसे हमने अपनी रोटी पर अच्छी तरह से लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर ये अपना कॉर्नफ्लावर डालेंगे, अच्छी तरह से कॉर्नफ्लावर डाल लेंगे, क्योंकि इससे हमारी खाजा की लेयर खुलेंगी। अब हम अपनी रोटी के ऐसे किनारे से लेकर इसे गोल गोल ऐसे राउंड करेंगे, इसे इसी तरह से लपेटेंगे। अगर किनारे आपकी ऐसे खुल जाती है तो आपको उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में सही हो जाएंगी। अब हम किनारों पर भी ऐसे दबा दबा कर इसे ऐसे मोड़ते जाएंगे तो ये किनारे भी अपने आप सेट हो जाएंगी।
अब थोड़ा सा मिक्सचर लेकर हम इसे किनारे पर लगा देंगे और इसे हम छुरी से आधा आधा इंच के टुकड़े पर इस तरह से काट लेंगे। अभी अच्छी तरह से कट गए हैं, अब हम इन्हें साइड में रख देंगे। और जो हमारी दूसरी रोटी है इसे भी हम सेम इसी तरह से बेल लेंगे। जितनी लंबी आप बना सकते हैं उतनी बड़ी रोटी बेलना। तो देखिए ये वाली रोटी हमारी हल्की सी फट गई है, इससे हमारे खाजा में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आइए खाजा को बेलते हैं। मैं तीन खाजा एक साथ बेलती हूँ, आप एक एक करके भी बेल सकते हैं। इसकी जो लेयर है वो हमें साइड में रखनी है और इसे हल्के हाथों से बेल लेना है। लंबे लंबे आपको स्ट्रिप बना लेने इसके। अब देखिए खाजा को बेलने की बहुत ही ज़रूरी टिप है ये। इसे हम बेलन से एक साइड से करके दूसरी साइड ऐसे बेल लेंगे। आप ध्यान से देखिए, मैं अभी एक और दिखाऊंगी। इसे देखिए हम उंगली से एक तरफ को लेकर दूसरी तरफ थोड़ा ऐसे दबा के इसे थोड़ा हम तिरछा तिरछा बेल लेंगे। इससे खाजा की लेयर बहुत अच्छे से दिखती हैं, उभर के आती हैं। आप देखिए ये कैसे दिख रही है। मुझसे पहले किसी ने भी खाजा को बेलने की ये टिप्स नहीं बताई आज तक। अब एक कढ़ाई में मैंने तलने के लिए ऑयल लिया है और इसे पहले मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया था। और जब हम इसमें अपने खाजा डालेंगे तो हम गैस को एक मिनट पहले बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें धीरे धीरे करके हम इतने खाजा डालेंगे कि सारी कढ़ाई भर जाए। हमें गरम ऑयल में बिल्कुल भी खाजा नहीं डालने हैं, वरना ये खस्ता नहीं होंगे और इसकी लेयर भी अच्छे से नहीं दिखेंगी। तो जितने भी एक साथ आ सकते हैं आप उतने डाल दीजिए। मैं इसमें दो बार करके फ्राई करूँगी। देखिए इसमें से आधे बचे हैं, आधे मैंने डाल दिए हैं। अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे धीरे धीरे फ्राई होने देंगे। ये देखिए इसकी लेयर अभी से खुलने लगी हैं। अगर आपका तेल ज़्यादा गर्म हो गया तो आप इसमें खाजा डाल दें और गैस को बंद कर दें और दो मिनट बाद चालू कर लें। अब इसे बिल्कुल हल्के सुनहरे होने तक फ्राई करेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल हल्के हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे बिल्कुल धीरे धीरे करके इसे पलट देंगे। एक एक करके पलटेंगे और बहुत ही हल्के से धीरे धीरे करके पलटेंगे, नहीं तो ये बहुत ही नाजुक होते हैं, ये टूट जाएंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है, इसे सारे मैंने धीरे धीरे करके पलट दिए हैं। अब ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से ये हो चुके हैं। हम इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये परफेक्ट हैं और इसे बिल्कुल धीरे से आसानी से हम इसे निकालेंगे, वरना ये टूट जाएंगे। अभी देखिए मैंने सारे निकाल लिए हैं, अब इसमें दूसरे डाल देंगे, फ्राई कर लेंगे। अब जब तक वो फ्राई हो रहे हैं तब तक यहाँ पर हम अपनी चाशनी तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने जितना मैदा लिया था उसके आधे मैंने बॉल शक्कर ली है और जितनी शक्कर ली है आधे प्याली, उतने ही आधे प्याली हम इसमें पानी डालेंगे। दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अब गैस ऑन करके हम इसे अच्छी तरह से चलाते चलाते तैयार कर लेंगे। हमें एक तार की चाशनी नहीं चाहिए, हमें उससे भी हल्का शुगर सिरप चाहिए। अब हम इसमें अपनी छोटी इलायची के दाने डाल देंगे खुशबू के लिए। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, उससे क्रिस्टलाइज नहीं होगी चाशनी। अब ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और चाशनी हमारी अच्छी तरह से बन गई है। ये ऐसी होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी बात है, ये चाशनी की फ्लेम मैंने अभी बंद की है और ये खाजा मैंने पहले से ही फ्राई करके रख लिए थे, ये ठंडे हो चुके हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी बात ये है
कि अगर आपकी चाशनी गर्म है तो खाजा ठंडे होने चाहिए, और अगर खाजा गर्म है तो आपको चाशनी पहले से बनाकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों में से एक चीज़ गर्म होनी चाहिए और एक चीज़ ठंडी। अगर दोनों ही चीज़ गर्म है तो आपके ये खाजा नरम हो जाएंगे, खस्ता नहीं रहेंगे। तो अब हम इसमें अपने ये खाजा, ठंडे खाजा गर्म चाशनी में एक एक करके डुबा डुबा कर अच्छी तरह से चाशनी में कोट करके निकालते जाएंगे। अगर आपने चाशनी पहले से बना कर रखी है और खाजा गरम गरम फ्राई करके इसमें डाल रहे हैं तो चाशनी में थोड़ा सा नींबू का रस डाल लीजिए। अब हम इसके ऊपर अपनी ये बची हुई चाशनी डाल देंगे। चाशनी में डूबे बहुत अच्छे लगते हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। सभी खाजा बहुत ही परफेक्ट और लेयर वाले बनकर तैयार हुए हैं। ये जितने अच्छे देखने में लग रहे हैं खाने में भी बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप मेरे स्टेप्स फॉलो करके ज़रूर बनाना और घर वालों को खुश कर देना। आप सबके साथ मैंने इतनी सिंपल और टेस्टी रेसिपी शेयर की है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।